बात करेंगे। देखिए इस कारण से जुड़ा हुआ है पूरा पाठ। देखिए ऐसा है कि कंप्लेंट हुई इसको लेकर जांच कर रहे हैं। प्रभाकर का सामने आया, सोजा का सामने आया, गोसावी में है, और नाम चाहे सुनील पाटिल का हो, वाघमारे का हो, सभी नाम धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरी जांच करेगी। जांच करने का मतलब किसी को फंसाना नहीं है। जब बात सामने आ रही है 18 करोड़ की डील हुई, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, सारे कार्य शुरू होंगे, तो निश्चित रूप से पूरी कार्रवाई करेगी। पत्र दुर्लक्ष करुणा का या गंभीर विषय एक पंचानी संगित है कि नागरिक बस केस मध्ये फसवले ब्लँक बरोबर तयार करण्यात आली। आमचा आग्रह आहे की जी एन सी पी ते जे पत्र मी पाठवलेलं आहे त्याची सखोल चौकशी केली। निश्चित रूपाने स्वतः काही करत नसते पुढे पावलं लोक सर मोटिवेशन मी परमवीर सिंग यांनी जे केला होता च्या माध्यमातून या शहरामध्ये गोळा करत आल्यानंतर आणि मुख साहेब माननीय मुख्यमंत्रींनी परमवीर सिंग यांना त्या पदून होमकडे ट्रान्सफर केल्या। परमवीर सिंगने 100 कोटीचा टार्गेट देण्यात आला होता असा आरोप। तदनंतर केसकडे गेले, सीबीआयने याचा तपास केला, राजकीय कट करून सरकार बदनाम करण्यासाठी त्यांचे कारवाया सुरू झाल्या। ते न्यायालयामध्ये दाद होते, वारंवार ईडीच्या समन आल्यानंतर उत्तर देत होते की मी कोर्ट दाद मागितलेली, यानंतर त्याकडे येणार आहे। ते स्वतः 4.5 कोटी रुपये त्यांनी बजे घेतल्याच्या आधारावर त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आले। पण ज्यांनी हा आरोप लावला तो समजत नाही। बेल्जियम मध्ये तरी आहे लुकआउट नोटीस, असताना बाहेर कसे गेले? त्यांना मेसेज देण्यात तीन शकते समुद्र असतील, मग ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत, ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत, किंवा रोडांनी नेपाळच्या माध्यमातून ते पडून असा सांगण्यात आहे। ते बिहार असतील, यूपी असतील, उत्तराखंड असतील, आणि भाजपच्या सरकार आहे या उत्तर ते पडून हे जवाबदारी भारतीय जनता पक्षाची आहे। राजकीय बुद्धीने लोकांवर केसेस निर्माण करत, लोकांवर दडपण करत, भाव निर्माण करत, बंगालमध्ये उद्योग तोच उद्योग मध्ये आहे। केंद्रीय सांगितलं की अर्धा मंत्री हे जाणार आहे। केंद्रीय यंत्रणा सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ईडी असेल, एनसीबी असेल, याचा वापर करून या राज्याला सरकारला महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचे कटकारस्थान आहे। यांना कळलं, आमच्या नेत्यांना पण पाठवलं, महाराष्ट्राची जनता पवार साहेबांना नोटीस निवडणुकीमध्ये याचं उत्तर मी दिलंच आहे। उघड्या डोळ्यांनी बघते यंत्राचा वापर करून दडपण कसं निर्माण होते आणि रूपांतरणाचा उत्तर पार्टियां लगातार चलती रही और रेल उत्पाद बारे में हम देंगे। अभी कोई शहर 1,00,000 रुपए का टेबल बुक हुई पार्टी सुनी थी, कहीं इन पार्टियों में
तेव्हा हॉटेल मध्ये काही लोक असो काही उद्योग होते, देवेंद्रजीचा एक वर्ष झाला होता केला होता, हा फडणवीस आम्ही त्यांना सावध केला होता की योग्य नाही, त्या काळातले सीसीटीव्ही पण माझ्याकडे तेव्हा केलेल्या नाही आणि मी मात्र सीसीटीव्ही रिलीज करणार नाही, धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरे दिन घर पे चले गए, कहा कि उनका ये अधिकार नहीं है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जब आरोप लग रहा था उसके घर कल ये गए सापला पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कमीशन के चेयरमैन है उनको कागजात उन्होंने सरकार को भेजूंगा। सर्टिफिकेट फर्जी या असली है इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्क्रूटनी कमिटी का गठन होता है, महाराष्ट्र जिले में उसका गठन उसकी पॉसिबल अथॉरिटी है, वहां पे मामला जाएगा और लोग ये प्रमाण करेंगे कि ये सर्टिफिकेट है। बहुत डेफिनेट सामने आप कोई सलाह ले रहे हैं बेनामी मतलब ये होता है कि नाम कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो संपत्ति है कारोबारी है उसकी संपत्ति है, कोई अजीत की संपत्ति नहीं, कोई अजीत के नौकर संपत्ति नहीं, किसी और संपत्ति अटैक करके तो ये पवार बेनामी संपत्ति है, ये आरोप नहीं। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ड्राइवर से कोई संपत्ति निकल आई, ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खुद के नाम पे संपत्ति निकल आई। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है और कोई एजेंसी कार्रवाई करती है और हर व्यक्ति को न्याय अपनी लड़ाई पर देती है। भुजबल साहब को लेकर इसी तरह से सदन को लेके लगाए गए और कोई हमें बताया डराने का बदनामने का खेल है, हम लोग इस खेल से वाले नहीं। आपके आने के